नमस्कार, नेक्स्ट टाइल्स हिंदी के चोड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की सबसे पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएसपी पर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7% की वृद्धि का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। इससे पहले 6.6% के अनुमान से अधिक है। मंगलवार को जारी अपनी रिपोर्ट में इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के नाम से बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर में विश्व बैंक ने कहा कि पूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत की वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट मजबूत बनी हुई है। वर्ल्ड बैंक का विकास अनुमान, आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के अनुमानों के अनुरूप है। दोनों संस्थाओं ने मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट का मानना है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और वित्त वर्ष 2023-2024 में 8.2% की तेज गति से बढ़ रहा है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश और रियल एस्टेट में घरेलू निवेश में तेजी से विकास को बढ़ावा मिला। सप्लाई साइड पर इसे एक उत्साही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द्वारा समर्थित किया गया, जिसमें 9.9% की वृद्धि हुई। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अगली न्यूज को द हिंदू ने कवर किया है अपने पेज नंबर 14 पर और ये डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएसपी पर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेना के लिए आधुनिक टैंक, रडार और गश्ती विमान खरीदेगी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने 1,44,716 करोड़ रुपए की राशि के 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए लंबी खरीद प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण AON यानी आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दे दी। इनमें प्रोजेक्ट 17B के अंतर्गत 7 स्टील्थ फ्रिगेट मुख्य युद्धक टैंकों के प्रतिस्थापन के रूप में सेना के भविष्य के लिए तैयार यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCV जिसको बोलते हैं, FCR यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डोनियर 228 विमान जो नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल एंड ऑफ शोर पेट्रोल गश्ती जहाज इसमें शामिल हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 20 पर और ये स्पेसेस इन द न्यूज के अंतर्गत शामिल होगी जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत आएगा। न्यूज ये है कि हरा समुद्री कछुआ सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है और विभिन्न प्रजातियों में से एकमात्र शाकाहारी है। हरे समुद्री कछुए का नाम वास्तव में उनके हरे रंग से नहीं बल्कि उनके उपास्थि और वसा के हरे रंग से पड़ा है। पूर्वी प्रशांत में गहरे रंग के गोले वाले हरे समुद्री कछुओं के एक समूह को स्थानीय समुदाय द्वारा काले कछुए भी कहा जाता है। हरे समुद्री कछुए मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। अन्य समुद्री कछुओं की तरह वे भोजन के मैदानों और उन समुद्र तटों के बीच लंबी दूरी तय करते हैं जहां से वे निकले थे। ये एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के रूप में क्लासिफाइड किए गए हैं। हरे समुद्री कछुए उनके अंडों की अधिक मात्रा में शिकार, वयस्कों का शिकार, मछली पकड़ने के गियर में फंस जाने और घोंसले के समुद्र तट स्थलों के नुकसान से खतरे में हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 5 पर कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर आधिकारिक यात्रा पर ब्रुनोई की राजधानी बंदर सेरी बेगावान पहुंचे। ब्रुनोई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। वर्ष 2014 में पॉलिसी को एक्ट ईस्ट के रूप में रिवाइव किया गया। इसका पहले नाम लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करता था, जिससे उन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अधिक कार्रवाई का आग्रह किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 सदस्यीय समूह आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। ब्रुनोई भी आसियान का सदस्य है। नौसैनिक संबंधों के अलावा ब्रुनोई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी भूमिका निभाता है। वर्ष 2000 में ब्रुनोई में एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड स्टेशन स्थापित किया है। इस न्यूज पर आप लोग नजर बनाए रखिएगा, आने वाले टाइम में और अपडेशन देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 7 पर कवर किया था। मिसलेनियस सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि पद्म पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए नामांकन और सिफारिशों के लिए चल रही ऑनलाइन प्रक्रिया 15 सितंबर को समाप्त होगी। कोई भी व्यक्ति सेल्फ नॉमिनेशन यानी स्व नामांकन सहित सिफारिशें कर सकता है। गणतंत्र दिवस 2025 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन या सिफारिशें 1 मई 2024 से शुरू हुई हैं। पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देने का प्रयास करता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों और विषयों में विशिष्ट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट और सेवा के लिए दिए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना
सभी व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र होंगे। डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़कर पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी इसके लिए इसके पात्र नहीं होंगे। बाकी सभी लोग इसके पात्र हैं, इसमें अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और केन्या के बीच ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की तीसरी बैठक 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों ने सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि जैसे क्षेत्र में रक्षा सहयोग के लिए कई तरह के अवसरों पर चर्चा की। भारत केन्या के साथ दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण और घनिष्ठ संबंध साझा करता है। जुलाई 2016 में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन ने आपसी लाभ के लिए रक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया है। ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी यानी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रोडमैप बनाने के लिए एक आदर्श मंच है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये न्यूज छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 6 महिलाओं सहित 9 नक्सली कल मारे गए और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है। जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगा। ये घटना घटती है दंतेवाड़ा संभाग में और दंतेवाड़ा के SP ने बताया कि बैलाडीला पहाड़ी की तलहटी में 35 से 40 नक्सली छिपे हुए थे। बैलाडीला आप जानते हैं कि 1240, यहाँ पे इसको जूम करके आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा, ये बैलाडीला है। यहाँ पे 1240 मीटर की ऊंचाई पर है ये और ये हाईएस्ट पीक है ये छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का आयरन मिलता है, तो इसकी लोकेशन एक बार आप लोग अपने पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप पे जरूर देख लीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के 2023 संस्करण में भारत ने वैश्विक स्तर पर 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान प्राप्त किया है। भारत की रैंकिंग 40वीं हो गई है, जो कि उल्लेखनीय प्रगति है भारत के लिए। भारत उन देशों के समूह का हिस्सा है जो पिछले एक दशक में सबसे तेजी से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में ऊपर की तरफ बढ़े हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले एक दशक में इनोवेशन में यानी नवाचार में सबसे अधिक प्रगति किया है। भारत एक क्षेत्रीय नेता के रूप में उभरा है क्योंकि इसने आर्थिक विकास के स्तर के सापेक्ष नवाचार पर अपेक्षाओं से अधिक प्रदर्शन किया है। जितनी उससे उम्मीद की गई थी उससे अधिक प्रदर्शन किया है भारत ने। यह लगातार 13वें वर्ष नवाचार में बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार इकोसिस्टम के प्रदर्शन को दर्शाता है और सबसे हालिया वैश्विक नवाचार रुझानों को ट्रैक करता है। तो दोस्तों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और प्रमुख न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS हिंदी के साथ। धन्यवाद।